अभी रिसेंटली आप सभी ने एक न्यूज सुनी होगी कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया है, यानी कि क्लाउड बर्स्टिंग हुई है, जिससे कि कई लोगों की डेथ हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। अभी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। वहां क्लाउड बर्स्टिंग यानी कि बादल फटने की वजह से बहुत तेजी से फ्लैश फ्लड आया और कई सारी चीजों को, कई लोगों को अपने साथ बहा करके लेकर के चला गया। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने सुना होगा कि अक्सर जो है बादल फटने की न्यूज हमेशा हिली एरियाज यानी कि पर्वतीय इलाकों पे ही क्यों ज्यादा सुनने को मिलती हैं। आपने केदारनाथ की न्यूज सुनी होगी, आप बीच बीच में जब भी ऐसी घटना के बारे में सुनते होंगे, ये अक्सर हिली एरियाज में ही क्यों होती हैं ज्यादा, क्यों आखिर पर्वतीय इलाकों में ही ऐसी घटना सुनने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि बादल फटना क्या होता है और क्यों आखिर हिली एरियाज में ही ये घटना ज्यादा सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो जान लीजिए, बादल फटना एक हमारा माइंडसेट है कि बादल फटने का मतलब है कि बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बादल बिल्कुल फट करके टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई दें और इसी क्रिया को बादल फटना कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की क्या स्टोरी है और क्या ये प्रोसेस है, ये सब कुछ हम जानेंगे। बादल फटना एक टेक्निकल टर्म होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि बादल बनता कैसे है। आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रोसेस जरूर पता होगी कि कैसे बादल बनता है। जब नीचे से जो पानी है, when the water gets evaporated, यानी कि जब हमारे वाटर बॉडीज यानी कि जो तालाब में, नदियों में, महासागरों में, समुद्रों में जो पानी है, when it gets evaporated, जब धूप से, धूप की गर्मी से जब वो evaporate होता है, वाष्पित होता है, तो धीरे धीरे वो जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स, जल वाष्प होती हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। और जब वो ऊपर जाती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में आप सभी को पता है कि डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण और कई सारी गैसेस मौजूद होती हैं, तो ये सभी मिलकर के धीरे धीरे ये कंडेंस हो जाती हैं, ये जो जलवाष्प है वो कंडेंसेशन उनका हो जाता है, यानी कि वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये सभी डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस के साथ मिलकर के धीरे धीरे वो जब एक साथ इकट्ठी होने लग जाती हैं, जब पानी की बूंदें ढेर सारी कई सारी इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो एक बादल नुमा स्ट्रक्चर यानी कि बादल नुमा उनका आकार बन जाता है। तो यही कहलाता है बादल बनना। अब हम जानेंगे व्हाट इज क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्टिंग यानी कि बादल फटना क्या होता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले यानी कि आर्द्र बादल जो हैं, काफी सारा आर्द्रता लिए हुए, जब वो एक जगह पर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो कई सारे बादल आकर के आपस में मिल जाएंगे, उसके बाद उनका भार यानी कि घनत्व काफी बढ़ जाता है, उसके बाद इनको पानी की बूंदों को संभालना इनको काफी मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद अचानक से किसी भी एक जगह भारी शुरू हो जाती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। आप इस प्रोसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप बलून में पानी भरते हैं तो बलून काफी भारी हो जाता है, और अगर उसमें भरते जाएं, पानी भरते जाएं, तो एक समय आता है कि वो होल्ड नहीं कर पाता, और जब बलून फूटता है तो एक सारा इकट्ठा एक साथ पानी नीचे आ जाता है। तो उसी प्रोसेस से आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से बादल फटना भी होता है। आप इसे नॉर्मल बारिश नहीं कह सकते हैं, जैसे अचानक से किसी चीज को खोल दिया जाए और अचानक से कोई चीज बाहर आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्टिंग। उसी तरीके से ये क्लाउड बर्स्टिंग यानी कि बादल फटने की भी प्रक्रिया होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बादल ये तो कहीं भी ऐसा हो सकता है, कहीं भी नमी वाले बादल हो सकते हैं, ऐसा हिली एरियाज में ही क्यों होता है, पर्वतीय इलाकों में ही क्यों होता है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हिली एरियाज यानी कि पर्वतीय इलाकों में जब बादल ऊपर उठता है, तो उसके बाद इतने ऊंचे वो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, कि बादल उससे आगे बढ़ नहीं पाता है। अब जब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ढेर सारे बादल एक साथ आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा जब हो जाते हैं तो उसी के बाद उनका घनत्व बढ़ने लग जाता है, जिससे उनकी जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है और भारी बारिश हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर पर आर की रफ्तार से बारिश हो सकती है। हालांकि बादल फटने का दायरा कभी भी 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पहाड़ों पर बादल जब भी फटता है तो इतनी तेज बारिश होती है कि वो बिल्कुल सैलाब बन जाती है,
और पहाड़ों पर पानी स्टे नहीं कर पाता, इसलिए वो पानी जो है वो तेजी से नीचे आता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े ले आता है और उसकी गति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि सामने पड़ने वाली हर चीज़ बिल्कुल बर्बाद सी हो जाती है। पहले टेंडेंसी ये थी कि बादल फटने की जो घटना होती है वो सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन मुंबई में जो 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक जो घटना हुई थी उसके बाद ये टेंडेंसी लोगों की बदल गई है। अब ये माना जाता है कि बादल कुछ खास स्थितियों में फट सकता है और वो स्थितियां जहां भी बन जाए, ऐसा नहीं कि वो प्लेन एरिया में नहीं बन सकती हैं, तो वहां भी बादल फट सकता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका अगर आ जाए तो भी बादल फट जाते हैं, और मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि किस वजह से बादल फटते हैं और क्यों हिली एरियाज में ही ज्यादा ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसी घटनाएं क्यों अक्सर सामने आती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए दूसरों तक भी, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।